निमिषा जी, मैं सीधे आपके पास में आता हूं। आप इसको गंभीर नहीं मानती कि किसी कलेक्टर से शादी होने के बाद में वीडियो क्लिप ले जाकर के ये पूछा जाए कि साहब ये शादी हो कैसे गई, और वो ये बोले कि नहीं साहब मुझे पता नहीं है, मैं एसडीएम से पता करवाऊंगा। एक कलेक्टर जिसे इस बारे में जानकारी नहीं हो कि उसके इलाके में उसकी नाक के नीचे हो क्या रहा है, आप कहती है कि नहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, ऐसा हो जाता है। गंभीर नहीं है ये? गंभीर है, ये समस्या बहुत गंभीर है, और इस समस्या का समाधान हम सबके सक्रिय सहयोग से ही संभव हो पाएगा। मेरा जो कहने का सीधा सार ये ठीक है, सक्रिय सहयोग मैं आपको बताता हूँ। निमिषा जी देखिए, निमिषा जी देखिएगा, मैं आपको सक्रिय सहयोग दिखाता हूँ, कलेक्टर साहब का सक्रिय सहयोग दिखाता हूँ। आप पहले सुनिए, कलेक्टर साहब से जो हमने सवाल पूछा ना वीडियो क्लिप ले जाकर के, तो उन्होंने बोला क्या था ये सुनिए। लेकिन कई बार सूचना प्राप्त नहीं होती है और वीडियो वायरल हो जाता है, उसके मालूम भी नहीं होता है कि ये कहाँ का है, किस तरह, तो उस समय प्रशासन को दिक्कत काफ़ी आती है। फिर भी हमने इन जो भी सूचना है उनका, जो विवाह के बारे में जो फोटो चल रहे हैं उनको सत्यापन के लिए हमने टीमें लगाई है। घटना तो कोई पुरानी बताते, लेकिन ये भी नहीं बता कोई पा रहा है कि ये कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ। ठीक है, फिर भी हमने अपने ठीक है, कोई ये भी बता नहीं पा रहा है कि कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ। आप देखिए निमिषा जी, ये तो हालत है आपके प्रशासन की, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं, और आप इसको गंभीर नहीं मानती। गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई दोराय नहीं है, बेहद मुद्दा गंभीर है, इसमें तो दोराय है ही नहीं। निमिषा जी, जिन कलेक्टर महोदय को पता नहीं है उनकी अनभिज्ञता गंभीर नहीं है, कौन रोकेगा इसे? मैं रोकूंगा, आप रोकेंगे, कौन रोकेगा? लेकिन कहां हुआ है, कैसे हुआ है? देखिए, पहल हमारे सबके सहयोगात्मक रवैये से ही ये संभव हो पाएगा। देखिए, आदर्शवाद की बातों से कुछ होने वाला? आदर्शवाद की बात ये कर लेंगे, वो हो जाएगा, वो कर, ऐसे भाषण सालों से हम देते आए, हुआ कुछ नहीं, ढाक के तीन पात है। मैं गजेंद्र जी आपके पास में आता हूँ, सहयोगात्मक रवैया, समाज को जागृत करना चाहिए, किताबें बांटी जानी चाहिए, पैम्पलेट होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। आपको नहीं लगता भैया? सब बहुत सुन लिया हमने, बहुत करके देख लिया। सर लाठी बजाओ, सर मेरे लाठी बजाओ, कानून की कार्रवाई करो, तब जाके होगा। हमारे साथ मैं चैनल के मार्ग जी सर, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पूछना कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, प्रशासन से और सरकार से, हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है प्रशासन, बड़े बड़े पोस्टर देता है, पंपलेट देता है, बुकलेट देता है, करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च करता है। आता तीज पर हजारों विवाह होंगे, उसके प्रचार के बावजूद अगले दिन फोटो आता है कि साहब इतनी जगह इतने बच्चों के बाद सहयोग समाज करे, तो क्या ये गंभीर विषय नहीं है? प्रशासन की, सरकार की विफलता नहीं है? कानून को क्या अपना कठोरता से काम नहीं करना चाहिए? निमिषा जी, अब जवाब दो। कानून के क्रियान्वयन में प्रशासन के साथ समाज का भी सक्रिय सहयोग होता है, और जो उन्होंने शब्द इन शब्दों को बहुत गौर से सुना है, मैंने उन्होंने कहा का वीडियो क्लिप है, मैं पता लगाता हूँ। पता लगाने के बाद आपका ये वीडियो क्लिप पता लगा दिखाने के बाद उन्होंने 24 घंटों में कार्यवाही की और मुकदमा दर्ज। सवाल ये नहीं है मैडम, सवाल ये कि जिला मनन जिले में ऐसी दुर्घटना घटी है, मैं ये पूछता हूँ, अगर ये जानकारी आपके पास होती आप रोकने के लिए जाती है ना? जानकारी तो है आपके पास, जानकारी आ सकती है, प्रशासन के पास क्यों नहीं आ सकती? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि क्यों नहीं आ सकती, उनके पास थोड़ा देर से पहुंची है, ये जरूर एक बात है, जागृत नहीं थे कि ना? उनके पास लेट पहुंची, मेरे नहीं ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि व्हाट्सएप पे उनके भी आए, उन्होंने देखा नहीं। और जो ये शादियों का मसला है ना, देखिए हम इस तरीके का एक जो डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको इसमें स्ट्रेट अवे एक जवाब देना चाहूंगी कि जब तक ये मुद्दा पूरा खुल के सामने नहीं आ जाता, मैंने यहाँ से इनको लेटर्स और सारे कम्युनिकेशन कर लिए हैं, मेरे को इसमें पूरा ब्यौरा जैसे ही मिलेगा, वी विल टेक एक अच्छा सा एक स्ट्रिक्ट किया जाएगा सब कुछ और सारी चीजें होंगी। लेकिन जब तक वास्तव में आपके पास में एविडेंस नहीं है, आप किसी को भी ऐसे अपन नहीं कर सकते। हमें ये देखना पड़ेगा, अभी चिंता हमें करनी है आने वाली आखा तीज की। रियली इट इज एक अलार्मिंग पोजीशन कि हमें अब क्या करना है। ये मेरे लिए, ये आपके लिए, ये सभी के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखा तीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबको मिलकर वो ठीक है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे बहुत जिम्मेदारी के साथ करना भी होगा, करना ये अब भी आगे के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और मैं तो एक चीज है, प्रशासन तालमेल की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, आका तीज के लिए तैयारी हो, और कम से कम तब कोई ऐसा जवाब देते ना मिले, नहीं कहाँ हो गया, कैसे हो गया, ये पता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निमिषा जी आपका, गिरजा जी आपका, गजेंद्र जी आपका, मनन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद ये करेंगे
उम्मीद ये करेंगे कि अब की बार सूचना पहले पहुंचेगी, खुद चल के पहुंच जाएगी सूचना, कोई मांगे या ना मांगे या कोई प्रयास करे या ना करे, क्या ऐसे ऐसे बाल विवाह रुकेंगे? केवल समाज सहयोग करे, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे। शर्मनाक है जो तस्वीर निकलकर चित्तौड़गढ़ से सामने आई, कार्रवाई हो और नजीर पेश हो ताकि आखा तीज पर हम फिर से हर साल की तरह बदनाम नहीं हो। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही, आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।